तो उनके साथ में बैठ के मुझे सीखना अच्छा लगता था। लेकिन दादी कभी कभी डांटती कि ये सुई चुभ जाएगी, लग जाएगी, तेरे से नहीं होगा। लेकिन जब भी दादी वो काम करते करते छोड़ के बाहर जाते तो मैं पीछे से करने लग जाती थी। हम ये बैग बना रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हम 10 महिलाएं हैं और इतना काम कहाँ से आएगा। हमें 3 दिन का ऑर्डर का काम दिया गया कि आप ये करके लेके आइए। वो यही बोलते कि ये काम नहीं करेगी, पता नहीं आप कौन है। दो 3 दिन में हमारे 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई थी। तो वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई थी कि जो नेक्स्ट एग्जीबिशन था पूरी 11 लाख के हम सेल करके आए थे। वहाँ पे भी हम गए तो उन्होंने बोला कि रोमा जी आपका ये काम नहीं है, यहाँ पे ये डिजाइनरों का काम है, ये आप जो छोड़ दीजिए। मेरे जीवन का पलट दी मोमेंट वो था जब मैंने पहली बार फैशन शो करने में भाग लिया था। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट रैंप पे आए तो सारी ऑडियंस, डिजाइनर सब खड़े होके तालियां बजाई। मेरे जीवन का तूफानी मोमेंट वो था जब मुझे नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति जी के हाथों से मिला। मैंने उसी पल यही सोचा कि ये सम्मान मेरी अकेली का नहीं है, ये भारतीय वो नारी जो काम में आगे आती है और अपने पैरों पे खड़ी है, ये उन सबके लिए है। अपनी यहाँ की जो कला है उसको अपन अगर रोजगार से जोड़ रहे हैं तो कला भी जिंदा रहेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो पलट दे देश की पहचान वो हर हाथ तूफान।